कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री पर बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और आगे बेरोजगारी और विकास पर सैनी बोले, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोजगार और विकास को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निकाले जाएंगे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं नायब सैनी ने क्या कहा। युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया गया था। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा में भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 2016 वो बनाई थी, उसके माध्यम से भी कि हर जिला स्तर के ऊपर इंडस्ट्री आए और ताकि इंडस्ट्री आएगी तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला जो ये कार्यकाल रहा, अगर हम हरियाणा का देखें तो हमने हर क्षेत्र के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई वैकेंट पोस्ट थी उसको भरने का काम किया और लगातार अभी भी जारी है। और उसके बावजूद हमने लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार मेलों का आयोजन किया ताकि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा अच्छी इंडस्ट्री के अंदर एडजस्ट हो, उसके अंदर एडजस्ट करने का काम किया हमने। और चाहे ये प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शहर आप इसको बनाना चाहते हैं, धार्मिक स्थल, ठीक है, आपका कहना है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए आप पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले के जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि बाहर से अगर लोग आते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के आपके दिमाग में, हाँ, वो सब सड़कों की खस्ता हाल जो है चुनाव से पहले भी थी, चुनाव के बाद भी। नहीं, अगर आप 2014 से पहले की सड़कें देखें और 2014 के बाद की सड़कें देखें तो आपको बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा भी है, जो सेंट्रल हॉल के अंदर उन्होंने जो अपने सभी सांसदों के माध्यम उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो विकास की गति है, ये विकास की गति और तेज होगी इन 5 वर्षों के अंदर, और कुरुक्षेत्र भी उस विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा। क्षेत्र का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है जैसे, तो उसके लिए कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल प्लान है, उसके बाईपास की हमने सारा का सारा एक एजेंडा तैयार किया हुआ है कि कुरुक्षेत्र को बाहर जिस रोड से जोड़ा जाए, वो सारी प्लानिंग बनी हुई है और वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा सारा का सारा। कुरुक्षेत्र शहर में रेलवे फाटकों की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत पुरानी चली आ रही है। बहुत बार कोशिश हो चुकी है कि रेलवे डिपार्टमेंट उसके लिए कोई ऐसी योजना तैयार करे ताकि ये फाटकों से और ट्रैफिक से आम पब्लिक को निजात मिल सके। इसमें आप क्या करोगे, क्या करोगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये मेरे ध्यान में भी है और मैंने इसके बारे में विचार भी किया है, क्योंकि जैसे अभी हम ये थानेसर के जो रेलवे फाटक है जो मेन थानेसर शहर के अंदर बस स्टैंड से जाता है, उसका हमने एक दिन बैठ कर के विचार भी किया था कि इसका ना तो यूआर भी बन सकता है, ना ओआर भी वहाँ पर बन सकता है उसकी। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।